प्लस वन क्लास स्टूडेंट हमने आपका किया था बेटा लास्ट वाली क्लास में आपका हमने पढ़ा था आइडियल गैस क्वेश्चन तो हमने इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था कि ये कैसे फाइंड आउट होता है तो आर की वैल्यू आपको पता चल गई होगी बेटा आर की वैल्यू इसकी फिक्स होती है इस फॉर्मूले से निकाली जाती है एटी सेंटीमीटर क्यूब तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक इज अवर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो बेसिकली क्या होता है इस लॉ में कि हमारे पास क्या है विन टू और मोर नॉन रिएक्टिव गैसेस तो हमारे पास टू या टू से ज़्यादा मोर रिएक्टिव गैसेस है उनको इनक्लोज़ किया गया है वैसल में तो उसके ऊपर टोटल प्रेशर अप्लाई किया गया है गैसेस का मिक्सचर है तो क्या होगा वो वाली जो गैसेस है उनका मिक्सचर होगा सम ऑफ दी पार्शियल प्रेशर तो उनका पार्शियल प्रेशर जो होगा अलग अलग गैस का अलग अलग होगा तो हमने इसको करने के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड होता होता है लेट पी वन एंड पी टू अवर प्रेशर थ्री नॉन डेक्टिव गैसेज ए बी सी विन इनक्लोज सेपरेटली इन द सेम वॉल्यूम एंड अंडर सेमी कंडीशन पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री वेयर पी टोटल पी इज द टोटल प्रेशर तो पी क्या है यहाँ पर टोटल प्रेशर है एक्जिस्ट बाय द मिक्सचर ऑफ ए गैसेज नेक्स्ट इज एक्व टेंशन तो एक्वज टेंशन क्या है तो एक्व टेंशन प्रेशर ऑफ ए नॉन डेक्टिव गैसेज तो क्या है प्रेशर है नॉन रिएक्टिव गैसेस का जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर जनरली कलेक्ट होता है उसमें वाटर एंड देयर फॉर आर ए मस्ट प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दी सब्ट्रैक्ट वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर टोटल प्रेशर ऑफ़ मॉइस्चर गैस तो जो इसके बीच प्रेशर के बीच एक्वस हमारे पास टेंशन होती है हम उसको कैसे निकाल सकते हैं जैसे आप गैस को कंप्रेस करते जाते हो तो बच्चे गैस करके कंप्रेस करने के बाद ड्राई गैस में चली जाती है नेक्स्ट पी टोटल को जब भी आप माइनस करोगे तो आपके पास पी ड्राई गैस निकालना चाहते हो पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन नेक्स्ट इज पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रिक्शन तो लेट टेम्परेचर है हमारे पास टी थ्री गैसेज एंड क्लोज सिस्टम में और वी वॉलेम है प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है पी तो वन पी टू पी थ्री तो फर्स्ट वन पी वन क्या आएगा हमारा एन वन और आर टी वी वाई वी पी टू एन टू आर टी वी वाई वी पी थ्री एन थ्री आर टी वी तो ऐसे मतलब इसका एक्सप्रेशन आएगा तो हमारे पास क्या है हम टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं हम इसको तीनों को प्लस कर देंगे तो प्लस किया हमने तो क्या हो गया हमारा पी वन पी टू तो ये देखो ये तो कॉमन ही है हमारे आर टी वी तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं एन वन एन टू एन थ्री और तो ये देखो ऐसे आ जाएगा ये और नेक्स्ट वन ये देखो हमने पी वन बाय पी टोटल यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ पी वन का एलिमेंट को ऊपर लिख लिया तो ये देखो ऐसे मतलब इसको डिवाइड किया हमने तो ये डिवाइड करने के बाद क्या आ जाता है हमारे पास एन वन बाय एन इज इक्वल टू एक्स वन वेर एन इज टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री पी वन इज टू एन वन पी टोटल तो ऐसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं प्रेशर की नेक्स्ट वन इज कनाइटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस तो कनाइटिक मॉलिकुलर uh, में क्या है बेटा आपका गैसेस कंसिस्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ़ वेरी स्मॉल डेंटिकल पार्टिकल्स को लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डेंटिकल पार्टिकल है उनको कंसिस्ट करती है एक्चुअल वॉल्यूम अकोपाई बाय द गैस मॉलिक्यूल इज निगलिजिबल इज इन कंपैरिजन टू एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम गैसेज कैन बी कैन अकोपाई आल द स्पेस अवेलेबल टू दैम दिस मीन्स दे डू नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन उनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू कनेटिक मोलिक्यूल थ्यूरी तो कनेटिक मोलिक्यूल थ्यूरी में बेसिकली हम शो करते हैं कि हमारे जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं तो पार्टिकल्स ऑफ ए गैस आर ऑलवेज इन ए कॉन्सटेंट रैंडम मोशन तो पार्टिकल ऑलवेज मूव करते हैं कॉन्सटेंट रैंडम मोशन में तो वेन द पार्टिकल ऑफ ए गैस आर इन रैंडम मोशन तो जब भी उसका वो पार्टिकल रैंडम मोशन में होंगे तो उसमें प्रेशर की वजह से क्लीजेंस होंगी तो मीन वो वॉल्स मतलब उसकी वॉल्स के साथ कंटेनर की तभी प्रेशर अप्लाई करोगे तो जो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कंडीशन उनकी क्लीजेंस होंगी क्लीजेंस ऑफ ए गैस मॉलिक्यू आर परफेक्टली इलास्टिक तो क्लीजेंस ऑफ ए गैस मॉलिक्यू क्या है परफेक्टली इलास्टिक है दिस मीन देर इज़ ए नो लॉस ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे क्या है नो लॉस ऑफ एनर्जी है आफ्टर क्लीजन देर में ऑनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन क्लाइडिंग मॉलिक्यूल तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का चेंज हो रहा है बिटवीन क्लाइडिंग मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्पीड बिटवीन गैसेज पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरेज कनाइटिक एनर्जी ऑफ द गैसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दुलूट टेम्परेचर तो ये आप इसकी जो हमारी कनाइटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेज है तो ये सारी मतलब हमें ये वाले इसकी पॉस्युलेट्स हैं तो बेसिकली ये मोशन के बारे में बताती है नेक्स्ट इज डेरीवेशन फॉर आइडल गैस बिहेवियर तो हमने आइडल गैस के बारे में बात की थी तो हम इसकी डेरीवेशन कैसे करेंगे फर्स्ट वन वी हैव ए रियल गैस तो रियल गैस में क्या है ए ए गैस विच डज़ नॉट फॉलो आइडल गैस बिहेवियर अंडर आल कंडीशन ऑफ ए टम्परेचर इज कॉल्ड रियल गैस तो क्या होता है जैसे हमने बोला कि जो हमारी तीनों मतलब जो हमारे लॉ है जिनको फॉलो करती है वो वाली जो क्या है हमारी आइडल गैस होती है लेकिन जो क्या करती है आइडल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं करती है अंडर आल कंडीशन ऑफ ए टेम्परेचर एंड प्रेशर और उसको हम बोलते हैं रियल गैस तो डेरिवेशन हमारी बॉल्स लॉ के लिए क्या है हमने ये ग्राफ प्लॉट किया था आपका जब भी हमने ये लॉ किया था तो ये हेयर मैंने शो किया हुआ है रियल गैस और आइडल गैस और प्रेशर एंड वॉल्यूम और वो ग्राफ प्लॉट किया गया उसमें नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी एक टर्म देखो फैक्टर जेड डेरीवे इसको जेड से शो करते हैं तो डेरिवेशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर कैन बी मैजर टर्म्स ऑफ ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो ये यह यहाँ पे ये यह देखो शो किया गया जेड इज इक्ट टू पी वी वाई एन आर टी तो ये मतलब पी वी एन टी आर टी को जेड ऐसे शो किया गया ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी है इसको आप ऐसे शो कर सकते हो और ये देखो वेरियस गैसेज के लिए ये वेरियस प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो की क्योंकि अलग अलग गैस है उसके मॉलिक्यूल्स अलग हैं उनके ऊपर प्रेशर भी हमारा अलग अप्लाई होगा तो नेक्स्ट फॉर वन मोल ऑफ ए गैस तो वन मोल के लिए ये एक्सप्रेशन है बेटा आपका वेयर वीज कांस्टेंट कॉन्स्टेंट देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गैस अबव टू अजम्पशंस ऑफ ए कनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वॉज फॉन्ट टू बी रॉन्ग एट वेरी हाई प्रेशर एंड लो टम्परेचर नेक्स्ट इज लिक्वेसन लिक्युएशन लिक्फिकेशन ऑफ ए गैसेज तो लिक्फिकेशन ऑफ गैसेज हम आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे अभी यहाँ तक बेटा आपने अच्छे से करना है थैंक यू